मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है मानवता की सेवा करना। मेरा परम लक्ष्य राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। एकदम से ही उद्यम करना। प्लांट डिजीज के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी शब्द आ गया तो वो क्या हो गया? बीमारी से संबंधित चीज आ गया पैथोलॉजी। और किस चीज़ का पैथोलॉजी? फाइटो का मतलब होता है पादप। फाइटो शब्द अगर लगा है कहीं पर तो पादप होगा। फाइटो का मतलब होता है पादप। तो फाइटोपैथोलॉजी किसका जो है अध्ययन करता है? बीमारियों का, प्लांट की बीमारियों का अध्ययन करता है। और आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक थे ईजे बटलर। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने बना दिया यहाँ पर चार्ट। ईजे बटलर ये जो है आधुनिक पादप विज्ञान रोग के जनक थे। बटलर यानी फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट डिजीज कौन है? बटलर है। अब देखो डिजीज अगर शब्द की बात करें तो डिस धन ईज। डिस का मतलब क्या होता है? खराब। डिस का मतलब होता है खाने वाला डिस नहीं, खराब। ईज का मतलब होता है आसान। ईज सब ईजी से बना है ना, ईजी। ईजी का मतलब क्या होता है? आसान। और जो खराब हो, आसान ना हो, विपरीत हो जाए, वही डिजीज हो जाता है। तो बीमारी क्या है? असंतुलित व्यवस्था ही किसी भी शरीर में, चाहे वो शरीर जीव का हो चाहे वो पौधों का हो, उसमें अगर कुछ भी असंतुलन हुआ, संतुलित व्यवस्था खराब हुई तो वो क्या हो जाती है? बीमारी में बदल जाती है, वो डिजीज कहते हैं उसको, तो उसे रोग कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने पादप रोगों का जो अध्ययन करेंगे वो दो तरीके से हो सकता है। जैविक कारक यानी बायोटिक जो है पैथोजेंस हो सकते हैं। कारक मतलब पैथोजेंस। पैथोजेंस कारक होते हैं ना बीमारी फैलाने वाले, क्या कारक हैं? पैथोजेंस बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो सकते हैं? बायोटिक कारक हो सकते हैं। हालांकि वायरस को ना तो बैक्टीरिया कहा जाता है, वो वायरस को ना तो जैविक कहा जाता है ना अजैविक कहा जाता है, उसको जो है दोनों की कड़ी कहा जाता है, जोड़ने वाली योजक कड़ी है। लेकिन जैविक कारक में हम इसको रख करके यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जैविक कारक से होने वाले रोग, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अजैविक कारक से। अजैविक कारक में जैसे हमने पढ़ा था डिफिशेंसी डिजीज होते हैं, कमी से होने वाले रोग। मानव शरीर में भी कमी से रोग होते हैं। भाई मानव शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो बीमारी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो गई तो बीमारी हो जाएगी, हाँ कार्बोहाइड्रेट की कमी या एनर्जी की कमी, इस तरीके से कुछ तत्वों की कमी से बीमारी होती है। ऐसे ही पेड़ पौधों में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी से, और इसके अलावा प्रदूषण से भी बीमारी होती है। मानव शरीर में भी प्रदूषण से बीमारी होती है और पेड़ पौधों में भी। तो प्रदूषण वगैरह से ये सब किस में आ जाते हैं? अजैविक कारक। अबायोटिक पैथोजेंस में, तो बायोटिक पैथोजेंस में जो है आपको ये यहाँ पर कौन कौन से कारक जो हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बीमारियाँ हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसी का यहाँ पर हमने चार्ट बनाया है। बहुत बीमारी तो बहुत है लेकिन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान से, वो चीज़ यहाँ देखेंगे। देखो वायरस की सबसे पहले जानकारी कहाँ से हुई थी? मतलब वायरस जैसी बीमारी होती है उसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तंबाकू। तंबाकू से हुई थी, पढ़ाया था जब मैंने। तो तंबाकू में जो वायरस था TMV, कौन सा वायरस था? TMV, टोबैको मोजैक वायरस। क्या नाम था? टोबैको मोजैक वायरस। अब इसमें क्या होता है, इसकी पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं। तंबाकू की पत्तियां क्या हो जाती हैं? चितकबरी हो जाती हैं। किसमें? TMV से। और ये TMV बीमारी किससे होता है? तंबाकू में होने वाली बीमारी TMV किससे होती है? वायरस से होती है, वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक। ऐसे ही आलू में होता है पोटैटो मोजैक डिजीज। आलू से क्या होता है? पोटैटो मोजैक डिजीज होता है, जिसमें आलू क्या हो जाता है? चितकबरा हो जाती है उसकी पत्तियाँ, और आलू बौना रह जाता है, छोटे आलू हो जाते हैं, यानी अच्छे फसल नहीं तैयार होती है, और पत्तियाँ जो है चितकबरी हो जाती हैं। तो वो वायरस से होता है। किससे? वायरस से। और इसके अलावा केला में होता है बंची टॉप बनाना। बंची टॉप किस में होता है? केला। इसमें भी केले के पौधे बौने रह जाते हैं, केले के पौधे बौने। और मरियल सा केला होगा, देखा होगा तुमने, बहुत दुकानदार जो है फल बेचते हैं तो मरियल सा केला ले आते हैं सस्ता वाला, वो बेचते हैं, तो उसको कौन सा रोग हो गया है? बंची टॉप डिजीज हो गया है। ठीक। तो अब इससे याद रखना, बंची टॉप किस बीमारी से, मतलब किस फल को है बीमारी होती? केला। तो
तो केला को कौन सा रोग होगा? बंची टॉप, और ये होगा किससे? वायरस से होगा। ठीक, इसी प्रकार से ग्रास सूट डिजीज, ग्रास सूट डिजीज गन्ने से संबंधित है, गन्ने में कौन सी बीमारी होगी? ग्रास सूट, और यह किससे होगी? वायरस से। ठीक है, और येलो वेन मोज़ेक भिंडी में, भिंडी में क्या होगा? इसका जो वेन होंगी, जो भिंडी आपने फसल देखी होगी खड़ी रहती है, तो उसमें वेन्स होते हैं, मतलब जो है जिससे वो खड़ा रहता है, वेन्स सिराएं होती हैं, तो वो सिराएं हो जाती हैं पीली, पीलापन पड़ जाता है भिंडी के सिराओं में, तो भिंडी भी बेकार हो जाती है, पीली हो जाती है, मतलब उस खराब हो जाती है, सही पैदा नहीं होती है। तो इस ये भी येलो वेन मोज़ेक किस वायर किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, और इसके अलावा मोज़ेक वायरस से होने वाले अन्य रोग जो होते हैं, कौन कौन सी फसलों में होते हैं? केला में होता है मोज़ेक वायरस से, पपीता में होता है, सरसों में होता है, गन्ना में होता है। तो मोज़ेक जो है आपको ध्यान रखना है, मोज़ेक जो है मोस्टली किससे संबंधित है? वायरस से संबंधित है, और ये फसलों में होने वाले वायरस जनित रोग हैं। ठीक है, TMV तंबाकू, ये बहुत बार प्रश्न आया है कि जो है तंबाकू में TMV रोग किससे होता है? वायरस से होता है। सीधे TMV दे देगा और कहेगा किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है। बंची टॉप भी पूछ लेता है, बंची टॉप केला में, केला में होने वाली बीमारी बंची टॉप। ठीक है, ग्रास सूट बीमारी गन्ने से संबंधित, गन्ना एक घास है तो इसलिए ग्रास सूट कह दिया गया। सूट मतलब ऊपर वाला भाग, सूट सिस्टम कहलाता है पौधे का, नीचे वाला जड़ वाला भाग रूट सिस्टम कहलाता है। तो इसका जो पत्ता वत्ता है गन्ने का वो खराब हो जाता है, तो इसलिए ग्रास सूट डिजीज कहते हैं गन्ने का। जब पत्ता वत्ता खराब हो जाएगा तो गन्ना भी बेकार हो जाएगा। उसके अंदर देखा होगा कभी कि गन्ना आप तोड़ते हो ना तो अंदर से खोखला निकल जाता है। ठीक है, अंदर जो है मतलब खोखला रहता है तो उसमें रस कम रहता है, तो वो इसी वजह से हो जाता है। ठीक, तो और इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, जीवाणु से, झुलसा रोग आलू में ज़्यादा हो जाता है, तुम लोग सुनते भी हो, विल्ट रोग कहते हैं, विल्ट डिजीज आलू में क्या हो जाता है? झुलसा रोग, जो किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो याद रखना है, झुलसा रोग वायरस से नहीं होता, किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। विल्ट रोग या जो है झुलसा रोग, ये कैसे क्यों होता है, क्यों झुलस जाता है आलू? आलू को जो है जायलम इससे प्रभावित हो जाता है, और जायलम का काम क्या है? पानी और खनिज पदार्थों को जो है पूरे भाग में पहुंचाना, जड़ से जल को लेकर के और कहां तक पहुंचाना? पौधे के पूरे तनों तक, सब तक पहुंचाना। तो ये जायलम प्रक्रिया कहलाती है। जायलम एक परिवहन संचरण का जो है अंग है, तो जायलम अंग क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से खनिज और जल वगैरह पौधे में नहीं पहुंच पाता है। पानी हम तो खूब भर दिए लेकिन वहाँ पे जायलम जो है सिस्टम खराब है, तो पानी पूरे पौधे तक नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से झुलसा रोग हो जाता है, आलू झुलस जाता है। आलू क्या हो जाता है? झुलस जाता है, आलू की फसल खराब हो जाती है, जिसे झुलसा रोग कहते हैं, बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। इसी प्रकार से ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन कपास से संबंधित है। इसमें जो है क्या होता है, पत्तियाँ जालीदार हो जाती हैं। वैसे तो पत्ती बढ़िया हरी भरी अच्छी लगती है देखने में, अब पत्तियों में क्या होगा, छेद हो गई उसमें, तमाम झरने से बन गया, जाली सा बन गया, तो फिर सही से प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएंगे, उसमें जो है फोटो वो नहीं बन पाएगा, क्लोरोफिल सही से नहीं होगा, तो फिर इसकी वजह से कपास की फसल को नुकसान होगा। तो इसलिए ब्लैक आर्म डिजीज किससे संबंधित है? कॉटन से संबंधित है, कपास से, और ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और ब्लाइट ऑफ राइस धान से संबंधित है, ब्लाइट ऑफ राइस यानी ब्लाइट रोग किस में होता है? धान में होता है। ठीक, ये इसमें पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं धान में, तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और साइट्रस कैंकर होता है नींबू में, नींबू में क्या होता है? साइट्रस, साइट्रस शब्द लगा है, साइट्रस मतलब क्या होता है? रसदार फल, साइट्रस का मतलब होता है रसदार फल, और कैंकर ये रोग कहलाता है नींबू में होने वाला साइट्रस कैंकर रोग, क्योंकि साइट्रस रसदार फल जो है फल है। और ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, कैबेज जो बंद गोभी है, तो उसमें क्या होता है? ब्लैक रॉट हो जाता है, हाँ कालापन, कभी कभी खोलो बंद गोभी खोलो तो अंदर काला काला सा निकलता है, तो वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया से होता है, ब्लैक रॉट जो है कहते हैं उसको। और इसके अलावा फंगाई से होने वाले रोग, लूज स्मट ऑफ वीट, वीट में जो है हो जाता है स्मट रोग। ठीक, गेहूँ, गेहूँ में लूज स्मट जो है, इसमें क्या होता है कि जो है गेहूँ एकदम बिल्कुल जो है उसकी क्या कहते हैं बाली वगैरह ढीली सी हो जाती हैं, उसमें टाइटनेस नहीं रहता है, मतलब जो उसके बीज बनेंगे वो थोथरा कहते हैं गांव में हमारे, तुम्हारे पता नहीं क्या कहते होंगे, हमारे थोथरा कहते हैं। ठीक, तो लूज स्मट हो जाता है, तो उसमें जो मरियल सब दाना पैदा होता है, तो ये किससे होता है? फंगस लग जाता है उसके ऊपर। भाई फंगस जैसे हमारे खोपड़ी लग गया तो खोपड़ी को चांद मतलब पूरा खबर खबर करके क्या सफ़ेदी से हो जाती है ना, तो ऐसे ही गेहूं में हो जाता है, फंगस लग जाएगा तो सब कुछ उसका लूज हो जाएगा। ब्लैक रस्ट, कभी कभी देखा होगा गेहूं में जो है
बाल में ऊपर जो है काला काला वो निकल जाता है, ठीक है। फिर उसका हम लोग मोच बनाते थे, तुम लोग पता नहीं बनाते थे वो कि नहीं बनाते हो, हम लोग उसको तोड़ते हैं और जो है मोच बनाते थे बचपन में। तो वो क्या था, ब्लैक रस्ट रोग था। वो क्या था, ब्लैक रस्ट, मतलब उसमें जो है रेत सा बन जाता है काला काला, हाँ गेहूँ में, तो ब्लैक रस्ट उसको बोलते हैं। और ये किससे होता है, फंगस से होता है। वो क्या रहते हैं, फंगस लग जाते हैं। करनाल बंट, ये बहुत प्यारा जो है शब्द है करनाल बंट। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, करनाल बंट रोग किस में होता है, गेहूं में। करनाल बंट रोग गेहूं में होता है और कौन करता है, फंगी, फंगाई, फंगस, फंजाई या फंगी, फंगस, फंगस जो भी पढ़ो, तो फंजाई से होता है, फंगस से होता है, फफूंद से होने वाला रोग है करनाल बंट। और एक होता किसको है, गेहूं को होता है, ठीक। इरगट रोग होता है राई और बाजरा को होता है। तुम्हारे यहाँ बाजरा होता है ना, तो बाजरा में इरगट रोग लग जाता है। देखना बाजरा अगर सही फसल नहीं हो रही तो कौन सा रोग लग गया, इरगट। और इरगट रोग फंगस के कारण होता है, किसके कारण, फंगस। राई भी इसी तरीके से। अर्ली लेट, अर्ली ब्राइट ब्लाइट और लेट ब्लाइट, पचेता और अगेता आलू से संबंधित रोग है। कहते ना पचेता रोग लग गया आलू को, अगेता रोग। अब पता नहीं तुम लोग आलू खेती होती, तुम लोग जानते नहीं हो। तो ये आलू से, और पूछना गांव घर पे जा करके, हाँ अच्छा, तो जाड़ा फड़ा कहते हूँ। तो अर्ली ब्लाइट कहते हैं, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जो है आलू, आलू में होने वाला एक रोग और है, कई रोग होते हैं। तो ये फंगस से होता है, ये किससे होता है, फंगस से होता है। और ब्राउन लीफ यानी पत्तियाँ हो जाती हैं भूरी, किसकी, धान की, तो वो किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है। ब्राउन लीफ धान से संबंधित, धान की बीमारी है। और रेड रॉट गन्ने में, गन्ना में कभी कभी देखा होगा बीच में लाल सा जो है वो चला जाता है चूसते समय, तो वो सोंखता सा हो जाता है जो है, उसमें जो है मीठापन कम रहता है गन्ने में, जिसके अंदर बढ़िया आप छांट के तो लाए मोटा सा गन्ना बढ़िया कि बढ़िया चूसेंगे उसमें, और देखे उसमें लाल लालपन है अंदर से, और जब चूस रहे उसमें तो पता चल रहा है नमकीन, खारापन आ रहा है, मीठापन है ही नहीं। तो वो किस वजह से हो जाता है, जो है रेड रॉट की वजह से, रेड रॉट बीमारी से जो गन्ने में होता है, ठीक है। और टिक्का रोग, ये भी बहुत परीक्षा में आता है, टिक्का मूंगफली में होता है। टिक्का रोग किस में हो रहा है, मूंगफली। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं फफूंद से होने वाले रोग, फंगस से होने वाले रोग। और आलू में एक और रोग होता है, आलू में सब बहुत रोग होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है, फंगस से भी होता है, बहुत रोग होता है। वार्ट रोग हो जाता है आलू में, एक रोग होता है वार्ट रोग, ठीक है। और झुलसा रोग अरहर दाल में भी हो जाता है। विल्ट रोग किस में हो जाता है, अरहर दाल में भी हो जाता है झुलसा रोग। तो ये सारे फंगस से होने वाले रोग थे। आप इसको दो चार बार रिवाइज करोगे तो याद होंगे ये, मतलब महत्वपूर्ण चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ। देखो करनाल बंट याद रखना आप, करनाल बंट गेहूं से संबंधित है, धान गेहूं पपीता आइगन बैगन दे देगा तो आपको याद रखना है किसे हो रहा है, गेहूं में हो रहा है। और इधर आपको टीएमवी याद रखना है, तंबाकू याद, बंची टॉप याद रखना है, बंची टॉप केला देख लेना, टॉप पे चला गया केला भर गया तो बंची टॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, और झुलसा रोग आलू का झुलसा। अब झुलसा रोग आलू में बैक्टीरिया से हो रहा है, और अरहर दाल में किससे हो रहा है, फंगस से हो रहा है, फंगाई से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको दो तीन चीज़ें हैं जिनको याद रखना है। और अजैविक कारक में, डिफिशेंसी डिजीज में, भाई कमी होगी, जिंक की कमी हो सकती है फसल में, ठीक है। देखो किसान क्या करता है, जिंक वगैरह लाता है, फेंकता है कि नहीं खेतों में, कहते हैं जिंक की जो है वो डाल दो नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। तो जिंक की कमी, बोरान की कमी, मॉलिब्डेनम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, मैग्नीज की कमी, इनकी कमी से बीमारी होती है, या फिर प्रदूषण से ये सब बीमारियां होती हैं। तो कौन कौन सी बीमारी, जैसे जिंक की कमी से आम में बीमारी जाएगी, लिटिल लीफ, आम की पत्तियां छोटी हो जाएंगी, जिंक कम रहेगा तो आम की पत्तियां जो है छोटी रह जाएंगी, बड़ी पत्ती नहीं होंगी, छोटी पत्ती होंगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, जिससे कि फल भी प्रभावित होंगे। तो इसलिए जो है जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जिंक छिड़कते हैं आम के जो मतलब पौधे होते हैं, खेत होते हैं। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आता है, खैरा बीमारी किससे संबंधित है, तो धान से संबंधित है। खैरा बीमारी धान से संबंधित है, और ये किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से, ठीक है। बहुत प्यारा सब शब्द है खैरा, और ये प्रश्न अक्सर आता है परीक्षाओं में। तो धान में जो है खैरा रोग होता है, जस्ते की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, जस्ते की कमी से होता है, जस्ता अर्थात जिंक की कमी से होता है। और मक्का में सफ़ेद कली लग जाती है, मक्का में बीमारी होती है सफ़ेद कली रोग, जो जिंक की कमी से होती है, किससे होती है, जिंक की कमी से। बोरान की कमी से जो है फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग लग जाता है। फूल गोभी आप कभी लेने जाते होगे तो उसके ऊपर जो है एक भूरापन जो है, हल्का सा सफ़ेद भूरापन ले करके जो है लग जाता है, तो वो क्या है, ब्राउनिंग रोग है, बोरान की कमी से होता है, ठीक है। तो हम बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब बेचने वाले
चाकू से खुरच देंगे उसको और बेचते रहते हैं फूल गोभी इस तरीके से, तो वो कौन सा रोग है? ब्राउनिंग रोग है। ठीक है, अगर बोरान की कमी रह गई, भाई किसान अगर बोरान नहीं छिड़क पाया तो फसल खराब हो जाती है, तो उसमें फूल गोभी खराब हो जाती है, ब्राउनिंग रोग हो जाता है। और चुकंदर में हार्ट रॉट रोग होता है, जो चुकंदर में जो उसका हार्ट है, दिल है, उसमें जो है मतलब भुरभुरा सा हो जाता है, रॉट हो जाता है उसका, तो वो बोरान की कमी से हो जाता है, तो चुकंदर खराब हो जाता है तो बोरान की कमी से। मॉलिब्डेनम की कमी से फूलगोभी में भी एक रोग होता है, वेप टेल रोग, मरियल सी फूलगोभी तैयार हो जाएगी, पतली सी लंबी सी मरियल सी है, बेकार सी। तो कौन सी रोग होती है? वेप टेल। किसकी कमी से? मॉलिब्डेनम की कमी से। ये सब क्या है? तत्व हैं, पदार्थ हैं जिनकी कमी से रोग होते हैं। ऑक्सीजन की कमी से आलू काला हो जाता है अंदर से, कभी कभी आलू काटोगे तो ब्लैक ब्लैक निकलता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको काट करके और साइड का निकाल करके सब्जी बना लेते हैं, निकाल देते ना भाई आलू पूरा, तो ऑक्सीजन की कमी से होता है, ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है, उसके हृदय में जो है कालापन हो जाता है, किसके? आलू के, तो ब्लैक हार्ट रोग कहते हैं। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग हो जाता है, मटर पहुंच जाता है चंद्रमा, वहाँ मार्स पहुंच जाता है, मंगल ग्रह पे पहुंच जाता है, तो किसकी कमी से? मैंगनीज की कमी से मटर में मार्स रोग हो जाता है। और जो है आम में ब्लैक टिप भट्ठे के धुएं के कारण हो जाता है, भट्ठा कौन सा? ईंट का भट्ठा, ईंट के भट्ठे या जो इस तरीके से कोई भी जहाँ से धुएं निकलते हैं, अब वहाँ पर आम वाम के पेड़ ज़्यादा होते हैं तो उस पर ब्लैक टिप लग जाता है, मतलब उसके ऊपर से भाई धुआं सा आ रहा है तो काला काला सब उस पर जम जाएगा, पत्तियों पे देखा होगा जो पत्तियों पे काला काला सब जम जाता है, तो काला क्या? प्रदूषण है, वो धुएं का प्रदूषण है जम जाता है। अब जब जम जाएगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होगी ना, पत्ते के ऊपर प्रदूषण जम गया, ब्लैक टिप जो है, तो ब्लैक टिप जम गया तो प्रदूषण, उसके वजह से पत्तियां जो है फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर पाएंगी, और नहीं करेंगी फोटोसिंथेसिस तो पौधे धीरे धीरे सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी जो है कमी से होने वाले रोग हैं। तो ये हमने जो है यहाँ पर मतलब ये एक पादप रोग था, इनको आप जो है दो तीन बार रिवाइज करोगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने बता दिया, जैसे TMV तंबाकू से होने वाला रोग है, बंची टॉप जो है केला से संबंधित है, ठीक है, इसी प्रकार से मोज़ेक वायरस से होने वाले रोग हैं, मोज़ेक जो है वायरस से होने वाले रोग है फसलों में, फलों में, और इसके अलावा जो है इरगट जो है बाजरा से संबंधित है, ठीक है, करनाल बंट गेहूँ का है, करनाल बंट, और रेड रॉट गन्ना, रेड रॉट भी महत्वपूर्ण है, रेड रॉट भी आता है, और टिक्का मूंगफली, टिक्का याद रखना, टिक्का मतलब मूंगफली, मूंगफली खा रहे हो तो टिक टिक बजाना, बस टिक्का याद हो जाएगा, मूंगफली खाओ दांत से टिक टिक बजाओ, ठीक, तो टिक्का रोग मूंगफली, ठीक। और जो है इसमें जिंक की कमी से खैरा धान, जिंक की कमी से खैरा रोग धान में हो जाता है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है रोग थे, और इसके अलावा ब्लैक हार्ट ऑक्सीजन की कमी से आलू में, आलू में ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट होता है, ठीक, तो ये याद रखना।